ये हैं शोले के सूरमा भोपाली, फिल्मी नाम है जगदीप। इनका असली नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। ये बतौर बाल कलाकार फिल्मों में आए, 70 सालों तक एक्टिंग की और लगभग 400 फिल्मों में काम किया। पूरी दुनिया को अपनी अदाकारी से हंसाने वाले जगदीप का बचपन असल में बहुत परेशानियों में बीता। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुए दंगों में उनके पिता मारे गए। इनकी माँ ने अनाथ आश्रम में काम करके इन्हें पाला। अपनी माँ की मदद करने के लिए महज 7-8 साल की उम्र से ही ये सड़क पर गुब्बारे बेचकर घर में कुछ पैसे जुटाया करते थे। ये पतंग भी बेचा करते थे और साबुन बनाने की फैक्ट्री में भी काम किया करते थे। फिल्मों में बतौर बाल कलाकार इन्हें काम करने का मौका मिल गया। इन्होंने अपनी अदाकारी इतनी जबरदस्त तरीके से की कि एक अलग ही पहचान बन गई। एक समय ऐसा भी आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी छड़ी तक इन्हें गिफ्ट कर दी। पहले बाल कलाकार और इसके बाद कुछ फिल्मों में लीड रोल करने के बाद इन्होंने पहली बार 1968 में एक फिल्म में कॉमेडियन का रोल निभाया। इसके बाद तो इनकी पूरी जिंदगी कॉमेडी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। शोले का सूरमा भोपाली तो लोगों को आज भी याद है। जगदीप की पर्सनल लाइफ भी कुछ कम फिल्मी नहीं है। इन्होंने 3 शादियां की जिनसे इन्हें 6 बच्चे हैं। 3 शादियों का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। अपने बेटे के लिए जिस लड़की का रिश्ता आया उसकी बड़ी बहन जगदीप को पसंद आ गई। जगदीप ने उन्हें प्रपोज कर दिया और शादी भी कर ली। वो लड़की इनसे 35 साल छोटी थी। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को हुआ था। जन्म के बाद उनकी परवरिश काफी अच्छे से हुई, लेकिन ये खुशियाँ कुछ दिनों की ही थीं। कुछ समय बाद इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये समय था भारत पाक विभाजन का। विभाजन के भयानक परिणाम से जगदीप का परिवार भी अछूता नहीं रहा। 1947 के इन्हीं दंगों में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार को तंगी का सामना करना पड़ा। परिवार के गुजारे के लिए उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई चली आईं। मुंबई उस वक्त बम्बई कहलाता था। वहीं बम्बई में एक अनाथालय में उनकी माँ परिवार को सही ढंग से रखने के लिए एक अनाथालय में काम करने लगी। उनका काम वहाँ खाना बनाने का होता था, जहाँ सुबह से शाम तक उन्हें रहना पड़ता था। जगदीप अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके हम उम्र बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं और टीन के कारखानों में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ से ये बात कही कि वो भी काम करके उनका हाथ बटाएंगे। जब उनकी माँ को ये पता चला कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो वो काफी गुस्सा हो गईं। हालांकि बहुत मनाने पर वो मान भी गईं। वो बाद में टीन की फैक्ट्री में काम करने लगे और फिर पतंग बेचने लगे और फिर उन्होंने एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम किया। इस दौरान एक होटल का मालिक उन्हें और उनके दोस्तों को सूखे पाव के साथ हरी मिर्च खाने को दे दिया करता था। जगदीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस हरी मिर्च को पीसा करते और फिर उस सूखे पाव के साथ खा लिया करते। एक वक्त ऐसा भी आया जब 3 रुपए के लिए ये फिल्मों में काम करने को तैयार हो गए। असल में ये 50 के दशक की बात है। उसी दौरान B.R. चोपड़ा फिल्म अफसाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए उन्हें कुछ बच्चों की जरूरत थी। जब फिल्म की कास्टिंग टीम बच्चों की तलाश में निकली तो उनकी नजर जगदीप पर पड़ गई। जब कास्टिंग टीम के लोगों ने जगदीप से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे, तो जगदीप ने एक सवाल पूछ दिया कि ये होता क्या है, क्योंकि जगदीप ने इससे पहले कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। इसके बाद जगदीप को जब सारी बात बताई गई तो उन्होंने पूछा कि इस फिल्म के लिए वो उन्हें कितने पैसे देंगे। कास्टिंग टीम ने कहा कि 3 रुपए। इतना सुनते ही जगदीप ने तुरंत हामी भर दी। पहले दिन की शूटिंग में वो अपनी माँ के साथ पहुँच गए और वहाँ एक सीन में उन्हें बैठे बच्चों के साथ तालियां बजानी थी। इस सीन में एक बच्चे को उर्दू की एक लंबी लाइन भी बोलनी थी, लेकिन वो बच्चा बार बार अटक जा रहा था। ऐसे में जगदीप से रहा नहीं गया और अपने बगल में बैठे बच्चे से उन्होंने पूछ ही लिया कि अगर मैं ये लाइन्स बोल दूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उस बच्चे ने जवाब दिया कि बहुत पैसे मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना तो जाकर तपाक से वो सारी लाइन्स बोल डाली। उन्होंने वो लाइन्स इतने अच्छे तरीके से बोली कि एक टेक में वो सीन ओके हो गया। इस काम के लिए उन्हें 6 रुपए मिले थे। 6 रुपए पाने के लालच में इस काम को करने के बाद उनकी किस्मत ही बदल गई। इसके बाद तो उन्हें लगातार बाल कलाकार के रोल्स मिलने लगे और वो बतौर बाल कलाकार लैला मजनू और फुटपाथ जैसी फिल्मों में काम करके मशहूर हो गए। अब ये जानते हैं कि इनका नाम जगदीप कैसे पड़ गया। दरअसल 1953 में एक फिल्म आई थी जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम था जगदीप, और इसके बाद से दर्शक उन्हें जगदीप के नाम से ही जानने लगे। किशोर कुमार के बचपन का रोल इन्होंने धोबी डॉक्टर फिल्म में किया था, जिस फिल्म में इन्हें रोना था, और इस फिल्म का वो सीन देखकर डायरेक्टर विमल रॉय इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने आगे बहुत सारे काम इन्हें ऑफर किए।
विमल रॉय ने इन्हें 2 बीघा जमीन में एक अच्छा रोल ऑफर कर दिया था। इसके बाद तो विमल रॉय के साथ इन्होंने कई सारी फिल्में की। एक और किस्सा जो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है वो आप बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को अपने घर नाश्ते पर बुलाया था। पंडित नेहरू ने सभी बच्चों को नाश्ते के बाद गुलदस्ता दिया, लेकिन जब जगदीप का नंबर आया तो गुलदस्ते खत्म हो गए। तब नेहरू जी ने जगदीप से कहा था कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई और गुलदस्ते तो खत्म हो गए हैं, ऐसे में सम्मान के तौर पे तुम ये छड़ी रख लो। और फिर प्रधानमंत्री नेहरू की दी हुई उस छड़ी को जगदीप ने ताउम्र संभाल कर रखा। एक बार डायरेक्टर के आसिफ ने जगदीप को एक फिल्म ऑफर की और उनसे पूछा कि इस फिल्म में काम करने के आप कितने पैसे लेंगे। इस पर जगदीप ने कहा 2500 रुपए। तब के आसिफ ने कहा था कि तुम्हें अपनी असली कीमत नहीं पता है, इस रोल के लिए तो मैं तुम्हें 3500 रुपए दूंगा। इसके बाद डायरेक्टर के आसिफ ने उन्हें उस वक्त 500 रुपए दिए और कहा कि बाकी पैसों की जब भी जरूरत हो तो मांग लेना। कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली और फिर जगदीप बार बार कुछ न कुछ पैसे मांग लिया करते। एक बार के आसिफ का नौकर बहुत गुस्सा हो गया और उसने पूछ ही लिया कि तुम बार बार पैसे मांगने क्यों चले आते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अब इस फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। किसी वजह से इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। ये सुनकर जगदीप को काफी बुरा लगा और वो ये सोचते रहे कि अगर फिल्म बंद हो गई है तो भी के आसिफ उन्हें पैसे देकर मदद क्यों कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब पैसे मांगने नहीं आएंगे। लेकिन फिर एक बार उन्हें मुसीबत में पैसों की जरूरत पड़ी और वो फिर से के आसिफ के पास पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि इस मुसीबत की घड़ी में के आसिफ ही उनकी मदद कर सकेंगे। के आसिफ ने उन्हें 50 रुपए दे दिए। थोड़ी देर बाद उनका नौकर आया और फिर जगदीप से कहने लगा कि तुम फिर आ गए, क्या तुम्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं कि अभी के आसिफ और उनकी पत्नी के पास बहुत कम रुपए बचे थे और वो आखिरी 50 रुपए उन्होंने तुम्हें दे दिए हैं। इस बात को याद करते हुए वो अक्सर कहा करते थे कि के आसिफ जैसा महान और दिलदार डायरेक्टर ही मुगले आजम जैसी फिल्म बना सकता था। फिल्म शोले में जगदीप सूरमा भोपाली के रोल में दिखे थे। ये रोल इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इसके बाद लोग इन्हें सूरमा भोपाली के नाम से ही जानने लगे। इनको ये किरदार मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल इस किरदार के पीछे जो व्यक्ति थे वो थे भोपाल के एक फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह। भोपाल में लंबे समय तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के कई किस्से सुन रखे थे, इसलिए जब उन्होंने शोले लिखना शुरू किया तो इस फिल्म में नाहर सिंह से मिलता जुलता एक कॉमेडी किरदार जिसका नाम उन्होंने सूरमा भोपाली रख दिया। एक दिन जावेद अख्तर ने जगदीप को फिल्म की कहानी सुनाई। जावेद अख्तर की कहानी सुनकर उन्हें लगा कि दोस्ती की वजह से उन्हें ये फिल्म मिल जाएगी, लेकिन फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी उन्हें कोई फोन नहीं आया। लेकिन शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक दिन रमेश सिप्पी का फोन आया और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सूरमा भोपाली का किरदार आपको निभाना है। तब जगदीप ने पूछा कि फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो गई है तो अब किरदार किस बात का। तब रमेश सिप्पी ने कहा था कि कुछ सीन सभी बाकी हैं और तब जाकर जगदीप ने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया जो आज तक अमर है। इसके बाद तो शोले और सूरमा भोपाली दोनों ही सुपरहिट हो गए और कुछ समय बाद जगदीप ने इसी टाइटल पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा सूरमा भोपाली। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई जो कि कई राज्यों में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में इस फिल्म के काफी ज्यादा प्रशंसक हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनका गला खराब हो गया, लेकिन खराब गले से बोला गया इनका संवाद भी हिट हो गया। ये किस्सा फिल्म सुरक्षा की शूटिंग के दौरान का है जब इनका गला खराब हो गया था, और कई दिनों के इंतजार के बाद भी जब इनका गला ठीक नहीं हुआ तो फिल्म के मेकर्स ने उसी आवाज में इन्हें संवाद बोलने को कहा। इस फिल्म में दबी आवाज में जगदीप का अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आया और इसके बाद तो कई फिल्मों में इनसे दबी आवाज में बात करने को कहा गया। जगदीप का एक किस्सा जो धर्मेंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल धर्मेंद्र को पुराने सिक्के जमा करने का बहुत शौक था और ऐसे में जगदीप उन्हें 58-54 लाकर दिया करते थे और कहा करते थे कि पाजी मुझे पता है कि आपको पुराने सिक्कों का शौक है, तो लीजिए कुछ और सिक्के लाया हूँ। बाकी किस्से एक तरफ और इनकी तीसरी शादी का किस्सा एक तरफ। दरअसल इनके बेटे नावेद को देखने के लिए लड़की वाले आए थे और ऐसे में नावेद को शादी नहीं करनी थी और इन्हें उस लड़की के बड़ी बहन पसंद आ गई, तो इन्होंने उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया और लड़की मान भी गई। दोनों की शादी हुई और इस शादी से उन्हें एक बेटी मुस्कान जाफरी भी हुई। जगदीप के दूसरे बेटे जावेद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको जावेद जाफरी कैसे लगते थे, उनकी कोई फिल्म या कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।